नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी और जेडीयू के बीच जो पोस्टर वार लगातार चल रहा है, उन पोस्टरों की गलतियों को लेकर भी बिहार की राजनीति खूब गर्मा रही है। एक तो इन पोस्टरों से बिहार की सियासत का पारा चुनावी साल की शुरुआत से ही चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ इन पोस्टरों में जो गलतियाँ होती हैं, आरजेडी की ओर से जो गलती हुई है पोस्टर में, उसको लेकर आरजेडी निशाने पर रही है जेडीयू के। अब जेडीयू के जो कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीरज कुमार ने हमला बोला है, आपको कह सकते हैं आरजेडी के पोस्टरों पर, और ये कहा है कि मैंने तो मनोहर पोथी भेजा था, उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है। अब लगता है हिंदी कुछ ठीक हुई है तो रैपिड एक्स का कोर्स भेजना पड़ेगा ताकि आरजेडी की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सके, तेजस्वी यादव की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सके। तो नीरज कुमार ने अपने अंदाज में हमला बोला है, क्या कहा है सुनिए। इस बात के लिए उनको जानकारी का अभाव है, चरवाहा विद्यालय से राजनीतिक ज्ञान ली है ना। राष्ट्रीय जनता दल अपने पोस्टर में केटिंग लिखता है, मार्केटिंग भी लिखने नहीं आता है सब। तो हम तो पहले मनोहर पोथी भेजे थे, अब तो हमको लगता है कि मनोहर पोथी का कुछ अध्ययन राष्ट्रीय जनता दल ने किया, हिंदी तो इनका कुछ ठीक हुआ है। आप रैपिड एक्स इंग्लिश कोर्स भेजेंगे जिससे प्रोनाउंसिएशन और कम से कम स्पीकिंग पावर लोग का डेवलप हो, तो हम यह जानना चाहते हैं भाई शिक्षक नियोजन में कार्रवाई हमने किया है ना, अगर कोई गलत किया है तो जरा बताइए। जैसे आप भ्रष्टाचारी के सजा याफ्ता को रोल मॉडल मानते हैं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो कहाँ जाता है, सीधे जेल की सलाखों में लाल घर में कैद होता है। इसलिए कृपा करके शिक्षा पर प्रवचन मत दीजिए, बेटा को तो ग्रेजुएट बनाए नहीं, अब शिक्षा प्रवचन दे रहे चरवाहा विद्य, जिस घर में दो दो पूर्व मुख्यमंत्री हो उसका बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ हो, MLA होने का अनुकंपा आपने दे दिया लेकिन ग्रेजुएट नहीं बनाए और वो भी शिक्षा पर प्रवचन दे तो शिक्षा करा होता है। ग्रेजुएशन से संबंधित एक सवाल है मंत्री जी, कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव ग्रेजुएट नहीं है और आगामी स्नातक का चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि वो जब चुनाव में वोट करने के लिए लोग जाएंगे तो उनको खुद अपने आप पे एक ग्लानी जैसा महसूस होगा? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव की राजनीति की शैक्षणिक योग्यता नहीं है, पैरवी से तो होगा नहीं क्योंकि आप परीक्षा में चोरी हो नहीं रहा, आप तो फर्जीवाड़ा करिएगा नहीं, तू तो आप ही के माँ पिता कार्यकाल में होता था, तू मौका मिला नहीं। तो जब स्नातक और शिक्षक का चुनाव होगा और उसकी पात्रता ही विपक्ष के नेता को नहीं हो तो जो ग्रेजुएट नहीं है उम्मीदवार कैसा देगा, ये पूरे बिहार की जनता को इस बात का एहसास हो जाएगा। तो जेडीयू के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार का हमला है तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर, और पोस्टरों में जिस तरीके से गलतियां होती हैं उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि पहले मनोहर पोथी भेजा था, अब रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भेजूंगा ताकि प्रोनाउंसिएशन सुधर जाए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।